कॉन्सेप्ट ये है, ये एक्चुअल वर्किंग मॉडल है, मतलब एक्चुअल वर्किंग गाड़ी है ये, वो तो वॉक्सवैगन की बीटल है, पुरानी वाली लग रहा है, बीटल का नया मॉडल उसने दिखा था, हाँ स्पॉट किया था उसको, डाल एसटी एसडी लग रही ना मस्त, आई थिंक एसडी जावा का ब्रांड है ना संतोष, एसडी जावा का ब्रांड है क्या, हाँ एसडी जावा से, जावा ने मिल के किसी कंपनी के साथ साथ एसडी बनाएगी ऐसा कुछ सीन है, मेरे को एग्जैक्ट पूरी स्टोरी नहीं पता है, आगे देखते हैं और क्या क्या है, क्या नाम क्या है इसका, कार बाइक कार्निवाल, ये भी बीटल लग रही है, तो ये जो बीटल है वो बीएमडब्ल्यू है, ओ भाई ये तो अलग ही विंटेज है भाई, आगे से देखेंगे कैसा है, ये गाड़ी वो लग रही है जो जर्मन्स चलाते थे, जर्मन के जनरल वगैरह, माफिया वगैरह, माफिया जर्मन के जनरल्स वगैरह, ये तो अपना ओल्ड स्कूल, ये गाड़ी ऐसी लग रही है अपन बचपन में चलाते थे, हाँ अपने गांव में भी मिल जाती है, मिल जाती है, बचपन में आती थी ना 10-15 रुपए की मिलती थी, अबे यार एक्चुअल में लोग चलाते हैं गांव में, अरे यार सेम ऐसे ही आती थी खिलौनों में, याद करो जब अपने बचपन में, ऐसी भी तो आती थी, ऐसी नहीं आती थी, ऐसी और ये वाली खूब आती थी बचपन में, कार बाइक एंड शो, ये क्या है बे, ब्रांड नहीं दिख रहा, ये है क्या, एलएमएल है क्या, है वेस्पा है क्या, है ये बजाज है, बजाज तो नहीं है, एलएमएल तो मेरे पापा के पास थी, हाँ मतलब पुराना, एमडीएम पता नहीं क्या है, ये कौन सी कार है यार, ओहो बीएमडब्ल्यू, ये अगेन वॉक्सवैगन है ना, ये बीटल, वॉक्सवैगन बीटल 1962, हटियो हटियो थोड़ा सा, बीटल 1962, बीटल अभी भी यार मतलब बताओ कितना तगड़ा प्रोडक्शन है, BMW E30 स्टैंडर्ड 10 मॉडल, कौन सी कार है, स्टैंडर्ड 10 मॉडल, ये कुछ दिन के लिए रहा था, एक्चुअल तो भाई ये लग रहा है, प्लाइमाउथ 1957 भाई, मतलब लिटरली अलग नहीं है यार, ये रोवर P4, ये भी यार तगड़ा लग रहा है, आइए आगे चलते हैं, फियाट क्लासिक बीटल 1957, आई मीन ये कितना सही मैनेज किया, अभी तक वैसी वैसी है एकदम, एक भी है लाइक, हाँ क्या क्या मैं दिखाना जा रहा था, क्या क्या दिख रहा है, हाँ हाँ वही देख रहा है, एकदम नए पहिए, होंगे जो भी मतलब रिस्टोर की हो या जो भी, बहुत चमक रहा है लाइक शाइनिंग, पूरा क्रोम दिख रहा है अभी भी, मज़्दा मियाटा काफी ओल्ड है भाई, अभी ये तो लाइक कुछ टाइम की स्पोर्ट्स कार रही होगी तगड़ी, आजा आजा, इसका नाम क्या था, मेसरश्मिट मॉडल 1955, क्या कार है बे, सिंगल सीटर, आ इधर चालू करते हैं, इधर से चलते हैं, निंजा हट 1000 कावासाकी,
रैम भी खड़ी है। रैम 675। इज दिस हार्ले 48? नो इट्स नॉट 48। आई डोंट नो, आई डोंट नो। ओके या इट लुक्स लाइक टैंक एंड ऑल। So from Coimbatore or not? No, I'm from UP actually. I work here. You work here? Yeah. So you kept them just to see the bikes? Yeah. Street 750, wo kaun si hai? ZX 600 or something. वो कावासाकी, वो भी कोई Z800 खड़ी हो गई बगल में, ब्लू वाली। वो सरकार क्या करना है आप देख लेंगे। बहुत तगड़ा मॉडिफाई किया है, एकदम फैट टायर आ गए। आओ देखते हैं, यूसन यूसन भी है क्या? ये देख रहे हो, बहुत खतरनाक बाइक है ये। लाइक मतलब तुम इसको आया भूसा कंपेटेटिव समझो। ये तो अपनी भाई, ये तगड़ी कावासाकी जेड। पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है Z10 आ रहा है कौन सी है। ये कावासाकी वल्कन 800। बुलेट वगैरह को ऐसा मॉडिफाई किया जा सकता है। कावासाकी Z650, कावासाकी निंजा, वो कौन सी है, BMW S1000। S1000 Ducati, खतरनाक डिजाइन है भाई इसमें। लाइक इसको बैठने के लिए बहुत दिक्कत होगी, अपन जैसे लोग को बैठे नहीं पाएंगे, पता नहीं चला पाएंगे। ठोका ये हिस्सा होगा, तुम उधर सीट पे बैठे हो, तुम्हारे पैर नहीं पहुंचेंगे नीचे। मान लो चलो पैर नहीं पहुंच रहे हैं, वो इशू नहीं, वहाँ से यहाँ तक भाई इतना लंबा हाथ, मान लो हाथ पहुँच भी गया तो मुड़ोगे कैसे? इसके लिए शरीर भी ठीक ठाक चाहिए, रोहित भाई जैसी बॉडी चाहिए। चलाए कट्टा हटा के चला ही नहीं पाएंगे, खड़े रहेंगे जाम में इंतजार करेंगे भाई लोग निकल जाए, आराम से निकलेंगे, उतर के मोड़नी पड़ेगी। ओ भाई ये क्या BMW भाई, ये तो मॉन्स्टर है, ये बाइक नहीं है, देख रहे हैं। अब ये होंडा गोल्ड विंग वाला सीन है पूरा इसका। GS इतनी बड़ी बड़ी नहीं, मैं वलपराई गया था, GS 1200 और सब लेके आया था, वो पता नहीं छोटी लग रही थी, अब पास से हो सकता देख रहा हूँ तो बड़ी नहीं, मगर वो काफ़ी इतनी बड़ी नहीं थी। आ जा भाई, ये क्या है, BMW GTL AK 800, होंडा गोल्डविंग पूरी ऐसी है,
इवन इसमें शायद पीछे स्पीकर्स भी होंगे जो बैठेगा उसको सीट वार्मर तक होते हैं इनमें. अब मेरे को पता नहीं इस वाले में है कि नहीं, बट जैसे गोल्ड विंग भी सिमिलर है ना, पीछे स्पीकर्स रहते हैं मतलब तुम बैठ के गाने सुनते रहो, सीट वार्मर रहेगा, सीट भी गर्म कर देगा. तो ये सब गाड़ियाँ बहुत कम्फर्ट और बदमाशी वाली हैं. मतलब सिटी विटी राइड के लिए आई नहीं है सब, इतना किसी ने मांगे भाई यहीं तक जा रहा है तुम्हारे हो गया 3800. अच्छा उधर भी है इसका मॉडल नंबर नहीं, चलो उसमें लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है. वो भी सोचे में पहली बार आया ना, हम लोग कभी सोचे में नहीं आते. बस शेवरले ये हैं सब विंटेज, ये सब वो है लाइक जैसे पुरानी मॉडल वगैरह लखनऊ वगैरह में जब विंटेज रैली होती है तो देखो गाड़ियाँ कितनी आती हैं, पूरा ग्रीन पार्क भर देते हैं सारे. बुलेट एक भी नहीं खड़ी है, डॉज राजदूत अपनी नहीं है, असली में विंटेज है यहाँ की, असली में विंटेज जो है राजदूत अपनी नहीं बताओ यहाँ की, तो वही अपने यहाँ राजदूत बहुत मिल जाएंगे. पोर्शा 911 टर्बो 2008 भाई, ये लग रहा है कुछ देखने लायक में से. पोर्शा मतलब ये क्या है, BMW Z4 Roadster. मल्लिका है हिंद BMW Z4 Roadster. अबे ये तो पुरानी नहीं लग रही बहुत, इसको क्यों लगा दिए हैं, हो सकता है अच्छी गाड़ी है तो खड़ा करने क्या रखता है.